आपका तो इजी हो गया, बीएससी कंप्यूटर साइंस है ना, आपके सब्जेक्ट तो ये बन रहे हैं ना, क्योंकि आपने एमएससी फिजिक्स की हुई है, तो आपको साइंस इजीली मिल जाएगी। साइंस के साथ आप दूसरा सब्जेक्ट अगर मैथ पढ़ा है आपने, तो आप मैथ ले लीजिए, साइंस के साथ कंप्यूटर साइंस भी मिल रहा है, तो वो भी ये प्रेफर कीजिए आप, आपके लिए ये बेटर है। ओके, दूसरा आपकी एमएससी फिजिक्स है, आप फिजिकल साइंस भी लेते हो, तो एमएससी का फायदा होगा, पीजीटी के लिए आप एलिजिबल होगे, जो साइंस है इससे आप एलिजिबल होगे टीजीटी के लिए। तो आपको जो कॉलेज है उससे पूछ लीजिए कि आपको ये मिल रहा है, ये बेटर है इम्पीरिकल अप्रोच के, कॉलेज जिसमें आपने जाना है वो आपको साइंस एंड फिजिकल साइंस देते हैं, या साइंस एंड मैथ्स देते हैं, साइंस एंड कंप्यूटर साइंस थर्ड रखिए उसको, कंप्यूटर साइंस की पोस्ट कम होती हैं। सर बीए एमए बीए विच इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी रखी सी, कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं सी राजी, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट ही हैं, तो ये आपका एसएसटी बन गया, क्लियर, ये रहा आपका एसएसटी। ओके, कोई एडिशनल नहीं देना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल बन रहे हो। एमए इकोनॉमिक्स की है, मैं बीएड विच सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना था, माइनर सब्जेक्ट 10-2, बीएड इलेक्टिव सब्जेक्ट जिन्हें पंजाबी हिंदी, आप इनमें से लो, हिंदी को मत लो, मेरे ख्याल में एडिशनल, क्योंकि हिंदी का को कोई नहीं होगा, इलेक्टिव जनरल इंग्लिश तो ये पढ़ी होगी, आप एसएसटी या पंजाबी लो, एसएसटी या इंग्लिश लो। इसके बाद आपने ख्याल रखना है कि टीईटी में आपको 60 क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्ट से डील करने पड़ते हैं, वो सब्जेक्ट ये होगा पंजाबी इंग्लिश, पंजाब स्टेट टीईटी में दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। इसका सिर्फ आपको बीए का एडिशनल देना पड़ेगा, ये बात है, बीएड के साथ भी दे सकते हो, बीएड के बाद भी दे सकते हो, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, पंजाब और पटियाला यूनिवर्सिटी अलाउ करते हैं कि क्या है, हिंदी पढ़ना जरूरी है, प्लीज़ दस दो, मेजर माइनर सब्जेक्ट दस दो, बीएड विच इलेक्टिव सब्जेक्ट जिवें बीएड विच बीएड लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट में पंजाबी हिंदी पढ़ना जरूरी है, जॉब दे लिए जरूरी है, जॉब दे लिए बीएड च नहीं जरूरी, बीएड च जे जनरल पंजाबी जे जनरल ही इंग्लिश पढ़ी है उस दे बेस ते भी पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश पंजाबी मिल जाएगा। सर जी मैं बीए सोशियोलॉजी रखी है, इलेक्टिव हिंदी और फिजिकल साइंस मेरा केड़ा कॉम्बीनेशन बनूगा जी? देखियो ये तुहाडा पहला यूनिवर्सिटी नहीं तुसी दसी, हुण जे GNDU विच हो सोशियोलॉजी दे बेस ते कुछ नहीं मिलना, ओके, फिर तुहाडा बनेगा GNDU विच फिजिकल एजुकेशन मेजर सब्जेक्ट और हिंदी माइनर सब्जेक्ट, यही बेस्ट है तुहाडा बनेगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी च। जे तुसी पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला ते चंडीगढ़ विच हो, फिर तुहाडा बनेगा सोशियोलॉजी दे बेस ते तुसी एसएसटी भी लै सकते हो, और बाद विच एक बीए दा एडिशनल देना पड़ेगा, वो एडिशनल पेपर बीए दा हिस्ट्री ही होएगा, और दूसरा भी लै सकते हैं, पर सेंटर स्टेट दोनों च एलिजिबल हो जाओगे। इलेक्टिव तुहाडे को सब्जेक्ट हिंदी हैगा ही है, फिर तुसी एसएसटी ते हिंदी तुहाडा बेस्ट सब्जेक्ट है, हिंदी लई तुहानू कुछ एडिशनल पढ़ना नहीं पड़ेगा। दूसरा तुहाडा बनेगा एसएसटी ते फिजिकल एजुकेशन चंडीगढ़ ते पटियाला यूनिवर्सिटी विच, बैटर केड़ा है, बेस्ट केड़ा है, एसएसटी हिंदी तुहाडा बेस्ट कॉम्बीनेशन है, क्योंकि कोई एडिशनल सच जॉब इस विच ज़्यादा होंदियां हन। ये गल कर आए हाँ, साइंस का अलग तो वीडियो है तुहाडा बनाया, क्योंकि डॉक्यूमेंट दिखाए ने, हाँ वो भी ठीक कह रहे ने, पर कदों गवर्नमेंट आई है, कदों की होया है, हुण की लिखिया है, एडवरटाइजमेंट की आई है, उस वीडियो सारा मैं दिखा दिता है, कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन ही है, शायद शायद थोड़ी तो कन्फ्यूजन दूर भी हो गई हो, वीडियो देख लेना, इसके नीचे भी शायद हो सकता है। सर मैं बीए हिस्ट्री पब्लिक एड ते इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी की है, मैं एमए सोशियोलॉजी की है, मेरा कॉम्बीनेशन दस दो, बीए एमए पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। तुसी सोशल साइंस तुहाडा बन रहा है, ये बन गया सोशल साइंस, सारिया चार सोशल साइंस कितना पढ़ लिया, चलो पढ़ लिया, ठीक है, एसएसटी ही रह जाए तुहाडा बनता है, उसके नाल लैंग्वेज लोगे, लैंग्वेज इंग्लिश या पंजाबी लै सकते हो, जिहड़ी लैंग्वेज लोगे वो तुहानू इलैक्टिव मान लो इंग्लिश लई है जां पंजाबी लई है, उहदा बीए दा एडिशनल पेपर तुहाडी ही यूनिवर्सिटी तो हो जाता है, डेट आने वाली है, 2-4 दिनों दे विच विच फॉर्म आ जाने हैं, बीए दा जो है एडिशनल पेपर देना पड़ेगा, और फिर तुसी टीजीटी लई गवर्नमेंट जॉब लई एलिजिबल हो जाओगे उस इंग्लिश या पंजाबी लई। ठीक, नेक्स्ट है तुहाडा, जे तुसी एमए सोशियोलॉजी की है तो उसका कोई लाभ हजे नहीं तुहानू होएगा, बीए एमए पंजाबी। थैंक अगे है
सर जी मैं पॉलिटिकल साइंस इस नूं वड्डा कर लिए। हाँ पॉलिटिकल साइंस पब्लिक ऐड ते हिस्ट्री दे नाल ग्रेजुएशन की हुई है। SST तुहाडा मेजर सब्जेक्ट बन गया, गवर्नमेंट जॉब लई एलिजिबल हो गए। तो कमेंट करवांदा हाँ फिजिकल डिसेबिलिटी हाँ जी कॉम्बीनेशन दस दो। SST इंग्लिश लैंग्वेज लई कोई अडिशनल टेस्ट देना पएगा? SST लई नहीं देना पएगा क्योंकि तुसी इंग्लिश नहीं पढ़ी, इसलिए इंग्लिश रख लो। जे चाहुंदे हो पंजाबी भी लै सकदे हो। इंग्लिश दा BA दा अडिशनल पेपर देना पएगा, ये नाल नाल भी दे सकदे हो। ओके सर जी मेरे कोल BA च इलैक्टिव हिंदी सोशियोलॉजी फिजिकल एजुकेशन सी। तुहाडा बनेगा एक तां जे तुसी GNDU विच हो तां तुहाडा फिजिकल एजुकेशन ते हिंदी बनेगा। जेकर तुसी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ते चंडीगढ़ इन्हां दोनों चो यूनिवर्सिटियां चो है फिर सोशियोलॉजी जगह ते SST भी मिल जाएगा। SST दे नाल तुहानूं फिर BA दा अडिशनल हिस्ट्री दा करना पएगा। और जे तुसी दूसरा सब्जेक्ट ए दे SST दे नाल हिंदी ही लेना है, यही बेस्ट है। और दूसरा लै सकते हैं तुसी फिजिकल एजुकेशन ते हिंदी, तीसरा तुसी लै सकते हैं सोशियोलॉजी ते हिंदी, वो ना प्रैफर करो। जे MA सोशियोलॉजी मास्टरी वल जाना है इस नू लीस्ट प्रैफर करो, ते ये बाकी तुहाडे बनदे ने। SST हिंदी तुहाडा बेस्ट है। मेरे ख्याल होर कितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सेम। सर हैड की पूछ रहे ने, मेरा ब्रदर हैंडीकैप है, तुसी एक बार रिप्लाई कर देंदे, इन्नी बार पूछ लिया, सॉरी वेरी सॉरी हैगा, ना ना करो सर, तार खाओ जी, तरस खाओ जी, सॉरी ऐसी कोई गल नहीं है। मैं वीडियो बना रहा हाँ, रात पै जाती है, सारे नहीं बनते, सैकड़े मैसेज ने, किस दा मिस होया, मैं फिर भी लगा हुआ हाँ, सॉरी वेरी सॉरी। उस कोल पॉलिटिकल साइंस जी आलो, पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ते हिस्ट्री कंपलसरी है। राजे ये तुहाडा बनेगा SST, पंजाब गवर्नमेंट के मुताबिक, दूसरी गवर्नमेंट के मुताबिक भी तुसी गवर्नमेंट जॉब लई एलिजिबल हो जाओगे, इस तरह करोगे। तो पंजाबी ते इंग्लिश हुण तुहाडे लैंग्वेज लैनी पएगी, जां इंग्लिश लो जां इस नाल पंजाबी लो, और इसका BA का अडिशनल पेपर नाल नाल दे सकते हो, इंग्लिश का ते पंजाबी का। SST लैंग्वेज तुहाडा बेस्ट कॉम्बीनेशन बनता है। PU चंडीगढ़ तो ग्रैजुएशन है कंप्लीट की, PU चंडीगढ़ के नाल ही तुसी BA दे ये दे दिओ एग्जाम, ठीक है। मैं उस एग्जाम भी लिख दा हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, मिन्नत वाली गल है ना राजे, इदा मिन्नत क्यों करनी है, मेरे किसी ने दुश्मनी थोड़ी आ। नैक्सट है सर इंप्रूव बारे प्रोसैस बारे दस दौ, मैं समझिया नहीं किस इंप्रूवमेंट की गल कर रहे हो, वीडियो है आंसर ऑफ क्वेश्चन, इस तरह नहीं पता लगेगा, थोड़ा कंप्लीट रज करो कि मैनू पता लग जाए कि इंप्रूवमेंट BA विच इंप्रूवमेंट दे उदे अलग तो फिर वीडियो बना दांगा। बेस्ट कॉम्बीनेशन सब्जेक्ट फॉर BEd आई हैव डन ग्रेजुएशन पोलीटिकल साइंस हिस्ट्री इलैक्टिव पंजाबी, बहुत अच्छा तुहाडा बन रहा है। पोलीटिकल साइंस हिस्ट्री स्कूल सब्जेक्ट ने, SST ये नहीं छड़ना, हर हालत में हर कॉलेज में अवेलेबल है इलैक्टिव पंजाबी, यही तुहाडे बेस्ट कॉम्बीनेशन है। TGT लई गवर्नमेंट जॉब लई तुसी एलीजिबल हो। MA इन पोलीटिकल साइंस है, सैकेंड MA इंग्लिश है, रिजल्ट पेंडिंग है 4th SEM का, प्लीज़ टैल मी अबाउट द बेस्ट कॉम्बीनेशन। देखो जे तुसी ए कॉम्बीनेशन लेंदे हो TGT लई एलीजिबल हुंदे हो, जे PGT लई एलीजिबल बनना है। हुण तुसी थोड़ा उल्टा पंगा लिया होया है क्योंकि MA पोलिटिकल साइंस है, पोलिटिकल साइंस तुसी बाद विच BEd करन तो बाद दोनों ही पैडागॉजी ऑफ पोल साइंस यह ते पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश ये दोवें इकट्ठे भी कर सकते हो। कि यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी तो कर सकते, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो भी कर सकते, अज ही मैं ये बारे पूछा सो ये थोड़े लिए PGT TGT लिए मैक्सिमम एलिजिबिलिटी बन जाएगी। हिस्ट्री इलैक्टिव पंजाबी कंप्यूटर एप्लीकेशन, हिस्ट्री इलैक्टिव पंजाबी कंप्यूटर एप्लीकेशन MA पंजाबी की हुई है, ये थोड़ा बेस्ट बन रहा है, इतें भी ये नहीं छड़ना, इतने TGT थोड़ा बना रहा है माइनर सब्जेक्ट, और इतने माइनर सब्जेक्ट इतने मेजर के बराबर हो जाता है, ये बन रहा है PGT। ओके माइनर सब्जेक्ट पंजाबी ही लेना है,
हुण तुसी ये है कि जे GNDU विच हो तो तुहानू हिस्ट्री ते पंजाबी लेना पएगा, जे GNDU दूसरा बनाला है कंप्यूटर एप्लीकेशन ते पंजाबी लेना पएगा, जे तुसी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ते चंडीगढ़ इन्हां दोनों विच हो फिर तुसी हिस्ट्री दे बेस ते SST ते पंजाबी लै सकदे हो, पर SST दा BA दा तुहानू अडिशनल पेपर देना पएगा। पोलीटिकल साइंस दे दो, किहड़ा है पोलीटिकल साइंस दे सकते हो, कोई भी सोशल साइंस जिहड़ियां हन, है ना, 9 सोशल साइंस एक बार दित्तियां हन, एक बार 7 पंजाब गवर्नमेंट दित्तियां हन, सो ये तुसी कर सकते हो। नैक्सट है ऑल स्टडी गुरु नानक देव, अच्छा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ही है, हुण तुसी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी च ही रहना है तां तुहाडू को हिस्ट्री ते इह बन रहा है, उधरों कंप्यूटर ते इह बन रहा है। बाद विच जे तुसी गुरु नानक च कर रहे हो बाद विच SST तुसी कर लेना, अडिशनल पेपर दे देना। हुण अगे तुसी की लिखते हो, सर मैनू दस दो कि मैं कोई अडिशनल पेपर ना देना होवे, मैं किसी गवर्नमेंट जॉब लई एलीजिबल हाँ। हाँ तुसी हिस्ट्री जे नहीं देना, हिस्ट्री लै ली है तो हिस्ट्री दी MA करनी पैनी है, MA करन तो बाद PGT लई एलीजिबल हो, इधर कंप्यूटर एप्लीकेशन लई TGT लई बिना किसी अडिशनल पेपर देना तो क्लीयर हो, और जिहड़ा इलैक्टिव पंजाबी है बिना किसी पेपर तो तुसी ये एलीजिबल हो, सिर्फ इत्थे MA करनी पै रही है। जे SST च जांदे हो पंजाबी यूनिवर्सिटी पंजाब च फिर तुहानू अडिशनल पेपर ही देना पैना है, बाकियां लई तुसी इस तरह गवर्नमेंट जॉब लई एलीजिबल है, क्योंकि PSTET लई इफ आई विल एलीजिबल तुसी एलीजिबल हो, BEd लैंदे सारे तुसी PSTET च अपीयर हो सकते हो। तो फिर मैं पंजाबी दे पेपर दी ही तैयारी, मैं गल नहीं समझा कि केड़ी गल कर रहे हैं तुसी, ये वाली पंजाबी दे पेपर दी तैयारी मतलब अगे पढ़ना रीड मोर, हाँ करके जॉब लेनी है, मैं पंजाबी दी ही टीचर बनना है, सर मेरा कॉलेज वालिया ने हिस्ट्री फिल करता, तुसी मेरे मैसेज दा रिप्लाई नहीं किया किन्ने दिन तो, हाय रब्बा इदा दा गंदा बंदा आए। तुसी पता की करो, उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने हिस्ट्री फिल कर दिता है, मेजर है, मेजर सब्जेक्ट लेना ही पैना है, दूसरा मेजर कंप्यूटर साइंस हो सकता है, तुसी देखो कि ज़्यादा तुहानू इंपॉर्टेंट लगता है, पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है, तो नाल पंजाबी कॉलेज ने देना है, तुसी पंजाबी लई PGT ते TGT PGT और TGT लई एलीजिबल हो, तो घबराने की कोई लोड़ ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये तुहानू मिल जाना है, कॉलेज जाके मिल जाना है, ठीक। नैक्सट है सर मेरे 48% जनरल कैटेगरी MA हिंदी, हाँ तुसी उहदे बेस ते एलीजिबल हो, जे इहदे विचों 50% है ना घट्टो तुहाडे ते घबराउण दी जरूरत नहीं है, ये तुहाडे को है 70%। BEd स्टार्ट करनी है जी, बट सर मैनू इंप्रूवमेंट फिल करन दी जरूरत है, नो हजे नहीं है, हजे नहीं है, येट नॉट BEd दी, जदों जॉब लई जाना है, जॉब लई जाना है उदों एलीजिबिलिटी जे 55% हो गई, कहा जाता है कि हुण हो जाएगी, फिर तुहानू इंप्रूवमेंट यस करनी पएगी, ये गल नू समझ लो, उहदे लई करनी पएगी, फिर तुसी इहदे बेस ते नहीं होवोगे। हाँ जे तुसी जिहड़ा है मैं नहीं ओ तुहाडी लैक्चरशिप दी बनेगी, जे तुसी मन लो लैंदे हो BA तो बाद तुसी MA कीती हुई है, कितने नहीं लिखिया, मान लो तुसी MA हिंदी कीती हुई है ते तुसी जिहड़ा भी सब्जेक्ट पहला लिखिया नहीं है तुसी ते माइनर सब्जेक्ट तुसी हिंदी ले लिया, मान लो हिंदी ले लिया, हिंदी तुहाडी पैडागोजी ऑफ हिंदी हो गई, उधर हिंदी दी MA है और तुहाडी इलैक्टिव हिंदी BA च पढ़ी है, है ना, तो फिर तुसी PGT हिंदी ले PGT हिंदी लई एलीजिबल हो तुसी, ठीक है। नैक्सट चलते हाँ, सर मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो BA विच मैथ इकनोमिक्स पोलिटिकल साइंस, अगर मैं मैथ इकनोमिक्स का कंबीनेशन लवा तो कोई अडिशनल तो नहीं देना पड़ेगा, प्लीज़ रिप्लाई। तुसी मैथ लिया, मैथ लई कोई नहीं देना पड़ेगा, गुड है, TGT लई एलीजिबल है, इकनोमिक्स लई तुहानू MA करनी पएगी इकनोमिक्स, फिर PGT लई एलीजिबल होवोगे, अडिशनल होर कोई नहीं देना पैना, पर MA करनी पएगी, ठीक। वैसे तुहानू बाद विच अडिशनल मैं सुजैसट करदा हाँ, देखो BEd करन तो बाद BEd दा अडिशनल पेपर SST दा जरूर दिओ, कारण यह है कि तुसी दोनों
अच्छिया सोशल साइंसिज पढ़िया हुई है, फिर तुसी की है मैथ लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, ए होनी हो जाओगे, इकनोमिक्स लिए भी एलिजिबल हो जाओगे और एस एस टी लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। ये बेस्ट है थोड़े लिए। मैथ इकनोमिक्स का कॉम्बीनेशन है एडिशनल होके ही हो गया। नैक्सट है सर जी, मैं बी ए विच इलैक्टिव इंग्लिश हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन सबजैक्ट रखे सी, बहुत कुछ रख लिया यार, इंग्लिश नहीं सज्जन छड़नी सज्जना, ये हो गया माइनर माइनर ओके, ये पक्की टी जी टी लिए एलिजिबल हाँ तुसी, माइनर देखने है लेकिन मेजर दे इक्वलेंट बन गया, और ये माइनर है मेजर केड़ा लेना है, यूनिवर्सिटी लिखी है तुसी। सर की मैं एस एस टी वास्ते सब्जेक्ट का एडिशन देना पैना है कि नहीं जी? यस देना पैना है, ये बेशक जे तुसी पंजाब यूनिवर्सिटी ते चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चो हिस्ट्री दे बेस ते एस एस टी तुहानू मिल गई है बी एड विच, पर गवर्नमेंट जॉब लई तुहानू एडिशनल देना पैना है हिस्ट्री है फॉर एग्जाम्पल होर सोशल साइंस जिवें पोलीटिकल साइंस का देना पएगा, ठीक है। जे तुसी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी चो हिस्ट्री की जगह हिस्ट्री ही मिलेगा तुहानू एस एस टी मिलना ही नहीं है। पहला कॉम्बीनेशन तुहाडा बन गया हिस्ट्री ते गुरु नानक च इंग्लिश, दूसरा बन गया गुरु नानक च फिजिकल एजुकेशन ते इंग्लिश, पंजाबी ते पंजाब विच एस एस टी ते इंग्लिश है ना, हिस्ट्री ते इंग्लिश भी बनता है उन्होंने फिजिकल एजुकेशन ते इंग्लिश भी बनता है, यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। तो मैं बी एड करन तो बाद इंग्लिश मास्टर कैडर की पोस्ट करन नू एलिजिबल होऊंगी? यस, जो तुसी ए बिल्कुल एलिजिबल हो गए आ जड़ा है ना तुहाडा, तुसी वेरी गुड इत्थे लिख दिता है कि हाँ तुसी एलिजिबल हो मास्टर केडर लई, बिल्कुल ठीक है, कोई एदे लई कोई एडिशनल नहीं देना पाएगा। गवर्नमेंट जॉब लई एज ए टीचर असी एलिजिबल होंगे बिल्कुल, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ठीक है बिल्कुल बेटा। राजे अपने सर तुसी दस्या भी पोलीटिकल साइंस पंजाबी फिजिकल एजु, सर इंग्लिश रखना हो रख सकते हाँ, तुसी पूरे सब्जेक्ट फिर नहीं दसे, जिहड़े पंजाबी जनरल दे बेस ते इंग्लिश भी रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते ई एन जी इंग्लिश है ना, पर जे ये भी जनरल है ये भी जनरल है फिर तुहानू बी ए का एडिशनल देना पएगा, बाद विच दे सकते हो हुण भी दे सकते हो, हुण तां फायदे लई टाइम बचाउण लई कहिंदा हुंदा है ना, सो रख सकते हैं तुसी लै सकते हैं, बिल्कुल तुहाडा गल सही है। इंग्लिश जनरल जां मैं रिप्लाई नहीं तुसी बाद विच कीता, सर मेरा हिंदी ऑनर्स बी ए और सबसाइडरी मैं होम साइंस फ्लो जी सफोलो पता नहीं जी और अरबी हिंदी में मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट होगा? आप हिंदी ऑनर हो ना, आपका मेजर सब्जेक्ट हिंदी बनेगा, हिंदी लैंग्वेज आपको मिलेगा मेजर, और साथ में आप देखो कि कहाँ कौन सा अरबी हिंदी है, वो भी हिंदी है, ये भी हिंदी है, सबसाइडरी जो एक, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको दिखाने पड़ेंगे। अगर आपने कोई एक साल पढ़ा है, अगर होम साइंस एक साल पढ़ा है, माइनर वहाँ अवेलेबल है होम साइंस, तो आपको मिल जाएगा, ये बहुत बहुत रेयर ही कॉलेज होगा। तो अगर आपने कोई सोशल साइंस पढ़ी है ना, तो आपको वो सोशल साइंस जैसे हिस्ट्री है जहाँ एस एस टी है वो मिल जाएगा, ये मेरे ख्याल में पढ़े नहीं होंगे, आपने फुल सब्जेक्ट नहीं क्लियर लिखे। दैट इज़ ऑल, ये तीन वीडियो के क्वेश्चन थे।